बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 जिसका नाम है निजी सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम। बच्चों इस चैप्टर के 5 वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, आप उनको देखिएगा जरूर। जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको MNC एवं उसकी विशेषताओं के बारे में बताया था। आज का जो वीडियो है, जो वीडियो नंबर 6 है, उसके अंदर हम जानेंगे संयुक्त उपक्रम क्या होते हैं। तो बच्चों कॉपी पेन निकालिए और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए बच्चों, नाम से हमें मालूम चल रहा है कि एक ऐसा उपक्रम जो कि संयुक्त रूप से बना हुआ है। संयुक्त मतलब हो सकता है जॉइंट रूप से, है कि नहीं। अब देखिए इसकी सिंपल डेफिनेशन समझते हैं सबसे पहले, कि जब दो या दो से अधिक जो कंपनीज हैं, ऐसी कंपनी जो कि स्वतंत्र हैं, ऐसी कंपनी जब मिलती हैं अपनी पूंजी, अपनी तकनीक एवं अपने जो विशेषज्ञों को मिलाकर, जिनका एक ही उद्देश्य हो जाता है, और संयुक्त रूप से एक नए उपक्रम को स्थापित करती हैं, तो उसे क्या बोल देंगे हम? संयुक्त उपक्रम बोल देंगे। तो संयुक्त उपक्रम क्या हो गया? जब दो स्वतंत्र कंपनी, मान के चलो ए और बी, ये दो कंपनियाँ हैं, ये भी एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, ये भी एक इंडिपेंडेंट कंपनी है। ए कंपनी अपनी पूंजी, ठीक है, बी भी अपनी पूंजी, अपनी टेक्नोलॉजी, ये भी अपनी टेक्नोलॉजी, अपने जो विशेषज्ञ हैं, ये भी अपने विशेषज्ञों को मिलाकर क्या चाह रही हैं? एक नए उपक्रम को स्थापित करती हैं। और इस नए उपक्रम को स्थापित करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हमें परस्पर लाभ कमाना है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गई? संयुक्त उपक्रम हो गए। अब एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि हीरो होंडा है। बच्चों हीरो होंडा क्या है? एक ऐसी कंपनी है जो कि संयुक्त उपक्रम है। यहाँ पर दो कंपनियाँ हैं, एक है हीरो और एक है होंडा, ठीक है। इन्होंने हमारे देश में आके बिजनेस किया, अब ये दोनों अलग अलग हो चुकी हैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल है जो कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, भारत की मारुति कंपनी, ठीक है। हमारे इंडिया की कौन सी कंपनी है? मारुति कंपनी। और जापान की कौन सी? सुजुकी कंपनी। ये जो दो कंपनियां हैं, ये क्या थी? पृथक पृथक कंपनी थी। अब इन दोनों कंपनियों ने एक मिलकर एक कंपनी बना ली जिसका नाम है मारुति सुजुकी। अब इन्होंने क्या बना लिया? एक कंपनी बनाई है जो कि है मारुति सुजुकी। और इस जो कंपनी का मुख्य उद्देश्य है कि परस्पर लाभ कमाना, इसके लिए मारुति ने भी अपना क्या किया? अपनी पूंजी लगाई, सुजुकी ने भी अपनी पूंजी लगाई, अपनी टेक्नोलॉजी यूटिलाइज की और एक बिजनेस को, एक उपक्रम को स्थापित किया। तो ये क्या है बच्चों? संयुक्त उपक्रम है। अब हम पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं। विशेषताएं मतलब हो गई करेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले जो पूंजी सरकार व निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा दी जाती है, जो संयुक्त उपक्रम है उसकी पूंजी किसके द्वारा दी जाती है? या तो सरकार के द्वारा या निजी क्षेत्र के जो उद्यमी होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनके द्वारा दी जाती है। दूसरा पॉइंट देखिए, इसका जो प्रबंध है वो निजी उद्यमियों को सौंपा जाता है। निजी मतलब प्राइवेट सेक्टर जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनका प्रबंध इसका सौंपा जाता है, प्रबंधन ये लोग देखते हैं। तीसरा है, इनका जो उद्देश्य है बिजनेस करने का वो ये है, एक तो जन कल्याण तो है ही, दूसरा ये भी है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है। दोनों ही इनके उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये सरकार व निजी उद्यमियों के प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो अगर हम बात करें संयुक्त उपक्रम का उत्तरदायित्व किसके लिए होता है, तो सरकार के लिए भी उत्तरदायी है और निजी उद्यमियों के लिए भी उत्तरदायित्व लेती हैं। क्यों लेती हैं? क्योंकि इनकी जो कैपिटल है वो किसके द्वारा प्राप्त होती है? सरकार के द्वारा एवं निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा दी जाती है, इसलिए उनके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लाभ। अब देखिए लाभ क्या होगा? जब दो ऑर्गेनाइजेशन मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो रही हैं, तो क्या होगा? संसाधन भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब संसाधन जुड़ेंगे तो उनकी जो कैपेसिटी है, जो वर्किंग एफिशिएंसी है, उसमें भी बढ़ोतरी होगी, उसमें भी वृद्धि होगी। तो ये पहला लाभ हो गया। तो देखिए, संसाधन व क्षमता में वृद्धि होना, जब दो या दो से अधिक व्यवसायी के संसाधन एवं उनका क्षमता का जब जोड़ होगा, तो वो क्या होगा? तेजी से कार्य कर पाएंगे और अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से एक्सपेंड कर पाएंगे। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं बच्चों, उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ। उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ, ठीक है। तो उन्नत क्या होता है? बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन। अब बेस्ट टेक्नोलॉजी कैसे आ रही है? देखो, मान के चलिए एक कंपनी क्या है, दूसरे देश की है। अब वो जो दूसरा देश है, हो सकता है डेवलप कंट्री हो, एक हमारे देश में आई है, हम दोनों ने क्या किया? ज्वाइंट बनाया, संयुक्त उपक्रम बनाया। ऐसे में क्या होगा?
जो जब हम बेटर टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करेंगे हमारे प्रोडक्शन के अंदर, तो क्या होगा, कार्यकुशलता में वृद्धि आएगी, लागत में कमी आएगी और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो देखिए सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है कि अगर हम उत्पादन की प्रक्रिया के अंदर उन्नत तकनीकों को यूटिलाइज करते हैं, उन्नत तकनीकों का समावेश करते हैं, ऐसे में जो प्रोडक्ट की जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, जो कॉस्टिंग होगी, जो कॉस्ट प्राइस होगी, उसमें रिडक्शन होगा और प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं संयुक्त उपक्रम का ये लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नए बाजार एवं वितरण तंत्रों तक पहुंच हो जाएगी। देखिए जब एक विदेशी कंपनी एक भारतीय कंपनी के साथ क्या करती है, संयुक्त उपक्रम लगाती है, ऐसी स्थिति में जो भारत की कंपनी को हमारा देश के अंदर एक मार्केट मिल जाएगा और इस तरीके से वो बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएगी। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट भी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नवीनता। नवीनता मतलब होता है न्यूनेस, ठीक है, या हम कह सकते हैं इनोवेशन। तो न्यूनेस बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ पर कह रहे हैं जब आपके बिजनेस के अंदर संयुक्त उपक्रम में एक साझेदार अगर विदेशी होगा, ऐसी स्थिति में हम जो प्रोडक्ट बनेंगे, हमारे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो नए होंगे, नई सेवाएं होंगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी का, बेटर टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर रहे हैं, उनका समावेश कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, नई नई वस्तुएं बन पाएंगी और नए नए उनके उपयोग आ पाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमें पता है, मान के चलिए कोई भारतीय टेक्नोलॉजी है ना हमारे देश में आती है और वो किसी कंपनी के द्वारा आ रही है, मतलब कंपनी ने हमारे देश की कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम लगाया, ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो कंपनी आ रही है बाहर से उसके पास कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी होगी और ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो प्रोडक्शन होगा प्रोडक्ट का वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, नवीनता आएगी, उत्पाद में चेंज आएंगे और इससे क्या होगा, जो कस्टमर हैं उनके पास नए नए उत्पाद एवं सेवाओं की उपलब्धि होगी या सेवाएं मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उत्पादन लागत में कमी। देखिए सिंपल मैं आपको एक चीज बताती हूँ, दो प्रकार के देश होते हैं, एक होते हैं डेवलपिंग और एक होता है डेवलप्ड। ठीक है, मान के चलिए एक डेवलप्ड कंट्री की एक कंपनी एक डेवलपिंग कंट्री में आ रही है, विकासशील देश में आ रही है, ऐसी स्थिति में आपको पता है कि विकासशील देश के अंदर जो रॉ मटेरियल है और जो श्रम है वो सस्ती रेट पर अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि एक साझेदार विकासशील देश से आता है तो जो उसका प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी उसमें रिडक्शन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ब्रांड छवि। ब्रांड छवि क्या होता है बच्चों बताइए, तो ब्रांड छवि क्या होता है, ब्रांड की इमेज। ठीक है, ब्रांड इमेज, इसके निर्माण से एक पक्ष को दूसरे पक्ष की पहले से जो स्थापित ब्रांड छवि है उसका फायदा मिलता है, जिससे वो बेहतर तरीके से निवेश कर पाएगा। देखो हमें ब्रांड की, मतलब किसी प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उस पर पैसा खर्च करना होगा, हमें विक्रय संवर्धन करना होगा, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। परंतु अगर एक कंपनी ऑलरेडी पहले से ही जिसकी ब्रांड इमेज है, ऐसे में आप अपना बचत कर सकते हैं और उस छवि का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी पहले से ही ब्रांड बनी हुई है, जिसकी ब्रांडिंग इमेज पहले से ही बनी हुई है, उसको आसानी से उतारा जा सकता है। ठीक है, जैसे मान के चलो मैगी का प्रोडक्ट है, ठीक है, मैगी की इमेज पहले से ही मार्केट में बनी हुई है, अगर मैगी के साथ कोई दूसरी कंपनी जुड़ती है तो उसको क्या फ़ायदा होगा, उसको इस मैगी के ब्रांड का फ़ायदा होगा, होगा कि नहीं होगा, आसानी से उतार पाएगी, क्योंकि उसके साथ वो इमेज होगी, एक ब्रांड इमेज जो कि जिस कंपनी से वो एसोसिएट हो रही है उस कंपनी की ब्रांड इमेज इसके साथ होगी, तो वो आसानी से मार्केट में अपने प्रोडक्ट को उतार पाएगी और उसको ज़्यादा खर्चे की भी आवश्यकता नहीं होगी। अब लास्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, सेवन्थ पॉइंट है जोखिम का बंटवारा। जोखिम का बंटवारा मतलब होता है जो रिस्क है उसका भी बंटवारा हो जाता है। संयुक्त उपक्रम में मैंने आपको बताया यहाँ पर दो कंपनी हैं, अब ये जब दो कंपनियाँ एक साथ मिलती हैं, ऐसी स्थिति में जो प्रॉफिट है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है,
और जो लॉस है उसका भी बंटवारा होता है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, कोई भी छोटी फर्म की जो प्रतियोगिता जो शक्ति है उसमें वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि उसके साथ में अब एक दूसरी कंपनी भी जुड़ चुकी है जो कि उसके रिस्क फैक्टर को क्या करती है, रिड्यूस करती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संयुक्त उपक्रम की डिफाइन क्या थी और संयुक्त उपक्रम की विशेषताएं क्या थी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।